घर की रात, किशोर के निशाने पर अपनी सरकार। सरकार के मुताबिक संगठन नहीं चलता, संगठन नहीं है सरकार का तोता, सरकार बनाम संगठन। जी हां, सरकार बनाम संगठन। दरअसल उत्तराखंड कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई जारी है। मुख्यमंत्री हरीश रावत और किशोर उपाध्याय के कई मुद्दों पर मतभेद साफ दिखाई देते हैं। ऐसे में किशोर उपाध्याय ने प्रदेश का राजनीतिक पारा एक बार फिर से अपने बयान से बढ़ा दिया है। अब मामला हो गया है सरकार बनाम संगठन। उत्तराखंड सरकार में बड़ी शिद्दत से चल रहा है सिलसिला अपनों के सितम का, क्योंकि आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर मचल ही जाता है किशोर उपाध्याय का मन। और इस बार किशोर ने शोर मचाया है संगठन के सवाल पर। इनकी माने तो सरकार का तोता नहीं है संगठन, जो हर बात पर बैठा रहे चुप। कोई तोता थोड़ी होता है कि भाई सरकार है तो वो जो है वो चुप बैठा रहे। किशोर उपाध्याय की माने तो 2017 का चुनाव सरकार नहीं बल्कि संगठन लड़ेगा। अब कहानी कर बढ़ाने की हो या दूसरे आंदोलनों की, हर बार ही किशोर को हटना पड़ा है पीछे। लेकिन किशोर का दिल है कि मानता ही नहीं। अब अपने ही लोग घर की दरारों को ठगने में लगे हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने जब भी कोई बात कही है वो आम जनता से जुड़ी हुई बात कही है, और उसका समाधान करना और जनता के दुख दर्द को सरकार तक पहुँचाना निश्चित रूप से संगठन का काम है। अब घर आई गंगा में हाथ धोना भला कौन नहीं चाहेगा। आचमन करते हुए बीजेपी कह रही है कि वन मैन आर्मी है हरीश रावत। इसी पीड़ा में तो करहा रहे हैं किशोर। धीरे करके सबका झलकेगा, सब कुछ आएगा, क्योंकि कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ा अंतर्कलह है। लगता है प्रदेश कांग्रेस संगठन और सरकार में बिल्कुल नहीं बन रही है, इसलिए गाहे बगाहे किशोर उपाध्याय ऐसे बयान दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं सरकार और संगठन के बीच तालमेल ना होने की कहानी बयां करता है। किशोर उपाध्याय ने अब साफ तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस संगठन सरकार का तोता नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या मुख्यमंत्री हरीश रावत किशोर उपाध्याय की पीड़ा को समझ सकेंगे। कैमरामैन पवन के साथ मैं पंकज पवार, देहरादून समाचार प्लस। तो सवाल ये कि क्या ये मसला सरकार बनाम संगठन का है? अगर हाँ तो फिर आखिर क्यों सरकार और संगठन में खींची है तलवार? सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के नेता विनय गोयल हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता मथुरा जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मथुरा जोशी जी, किशोर और हरीश की दोस्ती में आखिर ये कैसी खटाई आ गई है कि किशोर के फैसले सीएम बदल देते हैं, वहीं किशोर उपाध्याय को अब ये जताना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है मुख्यमंत्री को कि सरकार का तोता नहीं है संगठन? देखिए, कहीं कोई खटास नहीं है, कहीं कोई मतभेद नहीं है, सब सामान्य तौर पर चल रहा है। लेकिन संगठन का काम है, अगर कहीं पर कोई दिक्कत आएगी तो सरकार के संज्ञान में लाना संगठन का काम है, और सरकार उसमें जो भी वाजिब होगा, जो उचित होगा वो निर्णय लेगी। लेकिन सरकार अगर कहीं पर कोई ऐसी बातें आ रही हैं तो संगठन का फर्ज बनता है। मथुरा जी, मथुरा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात बताओ मुझे, ये जितने भी विचार आ रहे हैं संगठन के मन में आजकल, कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं, विचार आने की प्रक्रिया तेज हो गई, वो सारे विचार मुख्यमंत्री से मिलके भी बताए जा सकते हैं, चिट्ठी लिख के बताए जा सकते हैं, वो टेलीविजन पर ही बताना जरूरी है कि तोता है कि बगुला है कि चील है कि कबूतर है क्या है? ये बातें बैठ के भी हो सकती है ना? नहीं हो सकती क्या? जनता का हित चिट्ठी से नहीं हो सकता, बैठ के नहीं हो सकता? मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हफ्ते में एक बार 2 घंटे के लिए बैठ ले, क्या दिक्कत है? मर्यादा भी बनी रहेगी। कोई दिक्कत नहीं है, सारी मर्यादाओं का पालन हो रहा है, आपस में बैठ भी रहे हैं, अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी की रोज मुलाकात हो रही है आपस में हुई। ये तो अरे तब वो तोता कबूतर पर क्यों आ गए भाई? नहीं, ये तो देखिए, एक आपका प्रश्न आया, उसका जवाब भी आ गया कि भाई सरकार नहीं, हमने उनसे ही नहीं पूछा था कि आप तोता हो कि नहीं, हमने तो नहीं पूछा कि तोता हो कि नहीं, उन्होंने कहा कि हम तोता थोड़े ना जो चुप रहेंगे भाई, ये तो किशोर उपाध्याय ने कहा, हमने थोड़ी ना कहा कि आप तोता हो कि नहीं हो, ये तो पूछा नहीं था हमने। अमिताभ जी, अगर जनता की आवाज को उठाना, अगर तो क्या मुख्यमंत्री जनता की आवाज को दबा रहे हैं? इसका मतलब है मुख्यमंत्री नहीं समझ? ठीक है विनय जी, ठीक है मथुरा जी, आप अभी रुक जाइए, विनय गोयल जी,
किशोर उपाध्याय की बात से तोता मैना की जो कहानी है उत्तराखंड में, उससे एक बात सामने आ गई कि संगठन मानता है कि मुख्यमंत्री जनता की आवाज पर ध्यान नहीं दे रहे, जनता के हित का काम नहीं कर रहे, इसलिए संगठन को एग्रेसिव भूमिका में आना पड़ रहा है। क्या यह परिस्थिति संगठन और सरकार में मनभेद नहीं दिखा रही है? बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल सही कहा। जो जिस प्रकार की स्थितियां हैं, आज कांग्रेस की सरकार को उत्तराखंड में आए हुए 4 साल पूरे हो गए हैं और जो जो वादे करके जो घोषणा पत्र लेकर ये आए थे उसका उल्टा हो रहा है। ये घोषणा पत्र में वादा करके आए थे कि पेट्रोल डीजल से वैट समाप्त करेंगे, इन्होंने किया उसका उल्टा। इसके ऊपर जो पेट्रोल डीजल और रसोई गैस पर जो भारतीय जनता पार्टी के समय पर छूट दी जाती थी, जब जब रेट बढ़ते थे, और भारतीय जनता पार्टी के चाहे मुख्यमंत्री खंडूरी जी रहे हो चाहे निशंक जी रहे हो, उन्होंने बढ़े हुए दामों पर वैट पे छूट दी थी। इन्होंने पहले तो वो छूट दी थी। विनय जी, हम वैट पर बहस नहीं कर रहे आज, मैं पूछ रहा हूँ क्या संगठन और सरकार में मनभेद है? हाँ, इसी कारण से है ना, मेरा कहना यही है अमिताभ जी कि इसी कारण से है कि जो कहा संगठन ने, जो घोषणा पत्र दिया उस पर सरकार को काम करना चाहिए था, वो काम कर नहीं रहे, चुनाव सिर पे आ गया है, तो अब फिर जनता के बीच में जाना है, क्या जवाब देंगे? इसलिए संगठन और सरकार में भेद है और वो एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं, एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम सारे संपत्ति की घोषणा करेंगे, सारे विधायकों की, मंत्रियों की, प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं, और उस फैसले को भी सीएम ने बदल दिया था। मतलब जोशी जी, ये मनभेद की बात हम इसलिए भी कह रहे हैं, करों का मसला जैसे कि बताया, करों के मसले पर भी अब संगठन को फटकार लगाते हुए सीएम ने कहा कि संगठन को सरकार का साथ देना चाहिए, नहीं तो गलत मैसेज जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री के विरोध की बात आई, किशोर उपाध्याय ऐलान कर देते हैं, लेकिन वहीं मुख्यमंत्री कहते हैं कि गलत परंपरा की शुरुआत है और उसके बाद किशोर उपाध्याय को बैकफुट पर आना पड़ता है। तो सवाल इसीलिए उठ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री और किशोर उपाध्याय के बीच बन नहीं रही है? क्या आपसी जो तालमेल है उसमें कहीं ना कहीं गैप है? देखिए, मैं पहले तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि सरकार और संगठन, भाई किसी का फोन बज रहा है क्या? एक सेकंड मथुरा जी, किसी का फोन बज रहा है? संगठन और सरकार में कहीं पर भी कोई मतभेद नहीं है। देखिए, संगठन का काम, ये मोहब्बत का आलम है तो मतभेद का आलम क्या होगा मथुरा भाई? अगर मोहब्बत इतनी गजब की है बाबा, रे बाबा, तो मतभेद में तो सिर्फ फोड़ दोगे एक दूसरे का, जब मोहब्बत में तोता हो गए कहीं पर। अरे गजब है प्रभु, कहीं पर भी कोई मतभेद नहीं है, मैं बिल्कुल दावे के साथ। अच्छा, मोहब्बत है ना, ये बोलो ना फिर, इश्क है? आप बिल्कुल इश्क है। अरे प्रभु, अगर इश्क में ये आलम है तो मतभेद में क्या होगा? कभी कहीं कुछ नहीं होगा। देखिए, मैं अपनी बात विस्तार से कह लूं, मैं एक सेकंड मुझको दे दीजिए, मैं बात अपनी कह लूं। देखिए, कहीं पर कोई मतभेद नहीं है, लेकिन जन भावनाएं अगर हैं, अगर माननीय अध्यक्ष जी ने जनता की बात को कहा तो उन बातों का अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि सरकार और संगठन में कोई मतभेद है। ठीक है विनय गोयल जी, दो ही, या तो मुख्यमंत्री जनभावना की बात कर रहे हैं, जनभावना से संबंधित फैसले ले रहे हैं, या किशोर उपाध्याय जनता की भावना की बात कर रहे हैं, दोनों में से एक ही सही हो सकता है? एक मिनट, एक मिनट, संगठन का काम है सरकार बनाना, संगठन सरकार बनाता है। तो क्या अनावश्यक रूप से किशोर उपाध्याय टांग आ रहे हैं सरकार के फैसलों में? मथुरा जी आपके पास आएंगे, विनय गोयल जी जवाब दीजिए, आप ये बताइए, हमने अपने मथुरा जोशी जी आपके पास आएंगे, मतभेद कहाँ का, टांग अड़ाने की बात कहाँ की आगे, आपके पास आएंगे जी, आप विनय गोयल जी गई थोड़ा कम। देखिए, संगठन में जो हमारी उत्तराखंड में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, इसमें संगठन और सरकार एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हैं। अगर संगठन और सरकार एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते तो उत्तराखंड का भला होता, लेकिन दोनों विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं। सरकार टैक्स बढ़ा रही है और संगठन उसको टैक्स बढ़ाने के ऊपर अपनी सवाल कर रहा है, क्योंकि वो घोषणा पत्र में जो कहा था उससे उल्टा कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ आप देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में क्या अंतर है, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी मुद्रा बैंक की योजना की बात करते हैं तो हमारा पूरा संगठन उनके सहयोगी के रूप में मुद्रा बैंक की योजना को सफल बनाने के लिए काम करता है। ठीक है, अगर हम प्रधानमंत्री जी, मतलब जोशी जी, सवाल को हम और पुख्ता करते हैं, इस सवाल को और पुख्ता करते हैं, किशोर उपाध्याय ने सिर्फ तोते वाली बात देखी, विनय गोयल जी आपकी बात आ गई, परिणाम ये होता है, विनय गोयल जी मैं कह लूं जी, परिणाम ये होता है कि कांग्रेस की सरकार के मुखिया को भी कहना पड़ता है कि वो जन सुरक्षा पूरे अपने आंगनबाड़ियों के माध्यम से, आपके यहाँ तालमेल नहीं है,
भीम जोशी जी, किशोर उपाध्याय ने यह भी कहा कि कई बार व्यस्तता के चलते नौकरशाही की सरा पर ऐसे फैसले हो जाते हैं जो जनता के हित में नहीं होते। मतलब वो कह रहे हैं कि सरकार कुछ ऐसे फैसले ले लेती है नौकरशाही की सरा पर जो जनता के हित में नहीं होते, इसलिए हमें कदम उठाना पड़ता है। तो ये तो सीधे सीधे सरकार पर सवाल है। देखिए, हमारा संगठन कैसा चलेगा, सरकार कैसी चलेगी, हमको भाजपा से उसका प्रमाण पत्र या भाजपा से दिशा निर्देश लेने की आवश्यकता नहीं है। सवाल हम, ये सवाल मतलब को पहले अपने जिसका घर शीशे का बना होता है उनको दूसरे के घरों में पत्थर नहीं मारना भाई, हमें तो बोलने का अधिकार है ना। अपने संगठन की हालत जोशी जी, हमारे जोशी जी, एक मिनट जोशी जी, जोशी भाई एक मिनट, जनता की चिंता है, एक मिनट भैया, हमें तो बोलने का अधिकार है कि वो भी बंद कर दिया। नहीं नहीं बिल्कुल है, स्वागत है आपका। ठीक है विनय गोयल जी, क्या सरकार संगठन को तोता बनाकर रखना चाहती है जिसकी खींच किशोर उपाध्याय ने अपने बयान के जरिए निकाली? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है कि सरकार और संगठन के संबंध क्या हो, ये आप परिभाषित करने की आवश्यकता आज आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से महसूस कराई गई है कांग्रेस को, क्योंकि संगठन और सरकार में एक प्रकार से गार्जियन और पुत्र का रिश्ता होता है। संगठन एक प्रकार से सरकार का गार्जियन है, जहां जहां संगठन एक सरकार का आंख कान हाथ सब कुछ है। अगर सरकार के कहीं भी कोई काम गलत हो रहा होगा तो संगठन का काम है कि उसको वो अपने नेताओं तक पहुंचाए, उसको दुरुस्त कराए। और केवल तोता तो एक बहुत छोटी चीज कही इन्होंने, संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता उस सरकार का हाथ कान और हाथ सब कुछ होता है, और उसके लिए जब अगर उसमें सामंजस्य होगा तो किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। और जहां ये परेशानी होगी संगठन में और सरकार में, जहां सामंजस्य नहीं होगा वहां निरंतर इस प्रकार के परेशानियां आएंगी और सरकार अलग काम करती रहेगी और संगठन अलग चलता रहेगा और उसका खमियाजा निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मथुरा दत्त जी, मूल सवाल क्या था, बहस क्यों लेके आए कि आखिर किशोर उपाध्याय को ऐसा बोलने की जरूरत क्या पड़ी? संगठन सरकार ये बड़े बड़े शब्द हटा दो, सीधी बात करें अपन, क्या हरीश जी और किशोर उपाध्याय जी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं? छोड़ो संगठन और सरकार, व्यक्तियों की बात करो। ये आक्षेप और प्रक्षेपण क्यों चल रहा है लगातार? मथुरा जी, कोई टकराव है, कोई फांस है, कोई मनभेद है, कोई मतभेद है, कोई वर्चस्व की लड़ाई है, मामला क्या है भाई? अमिताभ जी, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं, बिल्कुल पुख्ता सबूतों से कह सकता हूं, माननीय अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में कोई मतभेद नहीं है, श्री किशोर उपाध्याय जी और श्री हरीश रावत जी के बीच में कोई मतभेद नहीं है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि संगठन से सरकार बनती है, सरकार से संगठन नहीं चलते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको जनहित में उठाना अति आवश्यक होता है। अध्यक्ष जी ने जितनी भी बातें कही है वो जनता से जुड़े हुए सवाल उठाए हैं। मतलब आप ये कह रहे हो हरीश रावत जी जनता की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे, ऐसा कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहे हैं। देखिये, तो किशोर उपाध्याय के पैसे क्यों नहीं मांगते जो जनता के हित में होते हैं? दोनों के कार्य क्षेत्र में अंतर है। माननीय अध्यक्ष जी को संगठन चलाना है, मतलब जोशी, लेकिन मकसद तो जनता के हित है ना, मकसद तो दोनों का एक ही है, फिर बिल्कुल जनता एक मकसद पर दोनों के मतभेद क्यों है? नहीं, कोई मतभेद नहीं है। देखो, संगठन ने अपनी बात कहने का तो संगठन को अधिकार है ना। विनय गोयल जी, आपको क्या लगता है? विनय गोयल जी, मैंने जो सवाल मथुरा भाई से पूछा वही आपसे पूछता हूँ। ये बड़ी बड़ी इन शोभा के शब्द मत इस्तेमाल अगर अपन करें, ठेठ बात करें, क्या हरदा और किशोर उपाध्याय के बीच में कुछ तनाव है? सीधा सवाल विनय गोयल जी। बिल्कुल, ये साफ दिखाई दे रहा है और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ये बता रही है और उनका प्रत्येक वाक्य और प्रत्येक बात जो वो कर रहे हैं वो ये बता रही है कि वहां सब कुछ ठीक नहीं है, उनमें मनभेद भी है और मतभेद भी है, और उसका कारण भी साफ नजर आ रहे हैं कि जैसे मैंने पूर्व में भी कहा कि घोषणा पत्र में कहा था कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, आज कहीं उसका जिक्र नहीं है। विनय गोयल जी, एक मिनट आपको रोकूं, मालिक घोषणा पत्र पे मत जाओ, मन साथ चलता है तो सारे घोषणा पत्र ठीक हो जाते हैं, आप समझ गए ना? मूल बात है मन, मन नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा, फिर सारे घोषणा पत्र बेकार। कागज का कोई मूल्य है क्या? व्यक्ति फैसला करेगा, कागज क्या करेगा?
अमिताभ जी कहने को तो भाजपा ने भी कैसे कैसे वायदे किए थे। देखिए मेरा हम कहेंगे तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल आपको भी छूटे कहूं, मैं जो सवाल पूछा अभी अपन उस पर रहे, क्या हरीश जी और किशोर उपाध्याय जी के बीच में कोई तनाव है? मेरा सवाल इतना था विनय गोयल जी, घोषणा पत्र में बिल्कुल निश्चित रूप से साफ दिखाई दे रहा है बिल्कुल, और मुझे किसी कार्यक्रम में वो एक साथ जाते दिखाई नहीं देते, कहीं उनकी कोई इस प्रकार का एक्ट नहीं दिखाई देता कि उनमें कोई आपस में सामंजस्य है। निश्चित रूप से जिस प्रकार का उनका व्यवहार है, जिस प्रकार की उनकी वाणी है, जिस प्रकार का उनका कृत्य है, वो साफ दिखाई दे रहा है कि इनमें मतभेद भी है और मनभेद भी है, और उसका खमियाजा निश्चित रूप से इन्हें भुगतना पड़ेगा। मथुरा जी क्या मालिक, एक मिनट प्रभु, इतनी जल्दी तो सरकार भी नहीं चल रही, न संगठन चल रहा, इतनी जल्दी आप क्यों चलो? मेरा वही सवाल, क्या हरीश जी और किशोर उपाध्याय जी के बीच में चीजें असामान्य हो गई हैं पिछले कुछ महीनों से? अगर हाँ तो पर तनाव का कारण क्या है? मैं बार बार इस बात के लिए कह रहा हूँ कि कहीं किसी के बीच में कोई तनाव नहीं है। अरे ये बहुत है, कहाँ से बात उठ गई? अगर जनभावना, मैं बताऊंगा जनभावना, मैं बताऊंगा। नहीं नहीं देखिए, लोकतांत्रिक, हम तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह हमारा रिमोट कंट्रोल कहीं और नहीं है, हमारी सरकार और संगठन दोनों साथ मिलके चल रहे हैं। जैसा अभी कहा, हमारे यहाँ जो सरकार के कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें अध्यक्ष जी जा रहे हैं, और जो संगठन के कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। अभी तक हम 36 विधानसभाओं में बातचीत का कार्यक्रम कर चुके हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय जोशी जी, पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भगत सिंह कोश्यारी जी, किशोर उपाध्याय ने मुख्यमंत्री हरीश रावत को याद दिलाया है कि जो संगठन है वो सरकार का तोता नहीं है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या दोनों के बीच कोई मनभेद है, मतभेद है, जिसके चलते किशोर उपाध्याय जो फैसले लेते हैं मुख्यमंत्री उसको बदल देते हैं, और अब किशोर उपाध्याय को मुख्यमंत्री को बताना पड़ रहा है कि संगठन सरकार का तोता नहीं है? नहीं, आप समझेंगे, किशोर जी का कहना है कि कांग्रेस का उत्तराखंड का संगठन सरकार का तोता नहीं है, पर वो सरकार की मैना है, इसलिए ये ध्यान रखें कि सरकार की मैना जो होती है, थोड़ा आप जानती है, जी जी, थोड़ा नरती भी है, जगरती भी है, और फिर उसके बाद जी शरण में चले जाती है, तो इसलिए उनको अल्टीमेटली हरीश रावत के ही शरण में जाना है। वो सरकार में रहे, सरकार से बाहर रहे, ये केवल ये बाहरी दिखाने के लिए है, क्योंकि जब सरकार से जनता असंतुष्ट हो गई है तो एक प्रकार से वो दिखाना चाहते हैं कि भाई जनता को कि नहीं नहीं हम भी तुम्हारे साथ हैं, और शायद वो ये भी देख रहे होंगे भविष्य में कोई ऐसा मौका लगे, क्योंकि आजकल तो कांग्रेस तो अधोगति की ओर जा रही है, तो अपना भविष्य भी देख रहे हैं। ये किशोर बात है कि महत्वाकांक्षा तो नहीं है भगत दा? हाँ, महत्वाकांक्षा के बिना क्यों बोलेंगे, या तो दोनों पक्ष, या तो इसलिए कि उनकी मैना है इसलिए बोल रहे हैं कि भाई दो लोगों को धोखा देने के लिए, या दूसरा पक्ष ये भी है कि वो जानते हैं कि भाई अब उनको वहाँ चेहरी से टिकट मिलने वाला नहीं, वहाँ तो दिनेश धने तैयार हो गया है, उनका जो क्या है प्रतिद्वंदी है, तो इसलिए वो थोड़ा सा अपना उनका आपसी ये चलता रहता है, उसमें कोई बड़े सीरियस नहीं है, कोई गंभीरता से उसको लेना नहीं चाहिए, और मूल रूप से मानना चाहिए कि अगर तोता नहीं है तो क्या है फिर मैना है। मथुरा जी, भगत दा ने देखिए क्या बात कही, उन्होंने कहा भाई तोता नहीं बोलो, मैना ठीक है, मैना से मेल खाता है करेक्टर। मथुरा जी, ये तो भगत दा बहुत वरिष्ठ नेता है, भगत दा की बात अपनी जगह अलग बात है, लेकिन जिस तरीके की बात भगत दा करे यहाँ कहीं दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार की और संगठन की लोकप्रियता से बौखला गई है, उसको खुद में ये डर हो रहा, जैसे अभी गोयल साहब कह रहे थे कि अगर ये ऐसे लड़ते रहे तो 2017 में इनको नुकसान होगा, तो ये हमको ही राय दे रहे हैं, हमको लड़ना नहीं, हमारे यहाँ तो कोई नहीं लड़ रहा है, संगठन अपना काम कर रहा है, बिल्कुल युद्ध स्तर पर काम कर रहा है, सरकार ने जो फैसले लिए हैं अभी तक हरीश रावत जी ने जितने भी फैसले लिए, चाहे वो कृषि को बचाने की बात हो, चाहे पेंशन फैसलों की बात हो, मथुरा जी व्यक्तियों की बात हो रही, फैसलों के लिए समय भी नहीं मेरे पास। मैं व्यक्तियों में भी कह रहा हूँ, व्यक्तियों में भी मैंने नाम लेके भी कह दिया, पद के हिसाब से मथुरा जी, एक मिनट, गलत फहमी है जोशी जी, ये गलत फहमी है सबकी। जोशी जी एक मिनट रुको, जब जितने समय विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड के, हरीश जी के लेटर बम चलते रहे,
हरीश जी जितने समय से मुख्यमंत्री बने, विजय बहुगुणा ने वो काम संभाल लिया, कुर्सी खाली नहीं रही बम्बाजी बम्बारी की, ठीक। क्या उसी के ये तीसरी कड़ी है, ये मैं समझना चाह रहा था। आप समझ गए ना? नहीं नहीं नहीं, ये मत हमको समझाओ ना ना मथुरा जोशी, जितना आप जानते हैं उत्तराखंड उतना ही हम भी जानते हैं। आप ये मत कहना कि हरीश जी कुछ नहीं करते थे, उनने कहा था मैं हरिद्वार में जाके भजन करूं क्या, रोज 10 चिट्ठी लिखते थे, और आप जब विजय बहुगुणा भी वही काम कर रहे हैं, तो ये संघर्ष तो है ना कांग्रेस में। कांग्रेस एकदम गौतम बुद्ध कैसे बन जाती है, कभी कोई संघर्ष नहीं, संघर्ष तो है ना। देखिए लोकतंत्र में, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का, अपनी बात नहीं महत्वाकांक्षाओं का संघर्ष था, बात का क्या मतलब इसमें? देखिए बिना महत्वाकांक्षा के भी राजनीति क्या है, यह अतृप्त महत्वाकांक्षा का संघर्ष है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, तो ये मानिए ना। आप तो गौतम बुद्ध बनना चाह रहे हैं। अरे अग्निहोत्री जी, जी आप मथुरा दर्जी से, आप मथुरा दर्जी से केवल इतना ही पूछे कि आखिर जब उन्होंने कहा कि संगठन का तोता नहीं है तो अकी है क्या, बाकी सारे तर्क तो बेकार है ना। मतलब जब उन्होंने कह दिया तोता नहीं है, है? इसके मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, गड़बड़ है माने मथुरा दर्जी से सीधे बेचारे राजनेता क्या समझेंगे, ये तो सज्जन आदमी है, वहाँ लड़ाई तो बड़ों की हो रही है, उनको लगता है कि हमने जजमान को मुख्यमंत्री बनाया, अब जजमान घास नहीं डाल रहा है, अब या तो मैना समझ रहा है या तोता समझ रहा है, तो इसलिए इस विषय थोड़ी है कि वहाँ झगड़ा है या नहीं है फलाने, सब जानते कांग्रेस में कितना झगड़ा है, इसलिए मथुरा दत्त जी से कहिए तोता नहीं है तो फिर क्या है। भगतदा कहीं कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, कोई गलतफहमी मत रहिए कि कहीं कुछ कांग्रेस में हो जाएगा, ठीक, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है जोशी जी, सरकार जी, कांग्रेस में कुछ कहां से होता है, ठीक है मतलब जोशी जी आपकी बात आ गई, अमिताभ जी संपाद की टिप्पणी। देखिए मैं इस विषय क्यों लाया, व्यक्तिगत तौर पर हरीश जी का रिश्ता, किशोर जी का रिश्ता आपस में अच्छा रहे नहीं रहे, उनके चाय नाश्ता के संबंध रहे नहीं रहे, कोई फर्क नहीं, ठीक है ना। दिक्कत तब आती है जब संगठन और सरकार एक दिशा में नहीं चलते, तो विकास प्रभावित होता है, कार्यक्रम प्रभावित होते हैं, जिनसे जनता प्रभावित होती है। मथुरा जी मुझे 1%, दोनों मेरे मित्र हैं हरीश जी भी और किशोर उपाध्याय, लेकिन मुझे उसमें कोई रुचि नहीं, किसका किसकी किससे ऐसी है मुझे क्या है, कौन रप होए हमें कहानी, लेकिन जब सरकार और संगठन में तालमेल नहीं होगा तो परिणाम नहीं आएंगे, ये जान लीजिए, ये संघर्ष बना रहेगा। और पार्टियों का हाल तो आपने देखा, भाजपा का भी हमने देखा, इनके मुख्यमंत्रियों में भी स्थिति देखी और आपके में भी देखी, ताल ठोकने का सिलसिला तो कभी उत्तराखंड में बंद ही नहीं हुआ, बाबा केदारनाथ का ऐसा आशीर्वाद है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसा रहा जिसका पाया दूसरे न हिलाते रहे हो, नहीं ना, सब एक दूसरे को कुर्सी पलटने को रहे, ये बात विनय गोयल भी मानेंगे और मथुरा जी भी मानेंगे, कोई नई बात गलत बात थोड़ी ना कह रहा, ना अजूबा कह रहा हूं, मुझे उसमें रुचि नहीं, मेरी बात सिर्फ इतनी थी कांग्रेस संगठन और कांग्रेस की सरकार, राज्य की सरकार दोनों एक साथ चलेंगे, रथ तो एक ही है ना मथुरा भाई, एक घोड़ा पूरब भागना चाहेगा एक पश्चिम व्यक्तिगत संघर्ष में, तो रथ तो फिर कहीं भी नहीं जा पाएगा ना, इससे प्रदेश की जनता प्रभावित होती है। कारण कोई हो, मैं कारण में नहीं जाता, क्यों मनमुटाव हो गया नहीं हो गया मेरे लिए विषय नहीं, जनता को भी इसमें नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन उससे परिणाम प्रभावित होते हैं, अधिकारी गुटों में बढ़ जाते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं, शेल्टर ढूंढ लेते हैं, पॉलिटिकल शेल्टर, राजनीतिक शरण स्थली ढूंढ लेते हैं इस तरह के माहौल में। आप तो बुजुर्ग, आप तो सीनियर आदमी हैं, आप जानते नहीं कि विजय बहुगुणा के समय में क्या था और अब हरीश जी के समय में क्या है, कैसी खेमे बंदी हुई, जितनी अदावत भाजपा वालों से नहीं रही उतनी तो आपकी आपस में रही, एक दूसरे को देख के तुरंत बिल्कुल बोले लाओ मेरा धनुष्मान कौन है, आज निपटा देंगे, ये स्थिति थी, सच मानिए थी, हम आप सब गवाह हैं, ऐसी चीजें टीवी पर कह नहीं सकते, बस ये मजबूरी है, हम भी समझ रहे हैं। हमारे मित्र हैं विष्णु सक्सेना, उनका एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है, बड़े लोकप्रिय कवि, कि हम भी समझ रहे हैं तुम भी समझ रहे हो, मथुरा जी कोई नई बात थोड़ी ना है, लेकिन मैं ये कहूंगा कांग्रेस संगठन और सरकार एक साथ चलना चाहिए, आपको जरा देश है अच्छे शासन का, सुशासन का,
जितना समय बचा है उसमें परिणाम दीजिए। यह व्यक्तिगत अतृप्त महत्वाकांक्षाओं का युद्ध स्थल ही नहीं होती सरकार। फिर कहता हूं, अतृप्त महत्वाकांक्षाओं की युद्ध स्थल ही नहीं है सरकार। सरकार काम करने के लिए है, जनता की सेवा करने के लिए है, हमारे उत्तराखंड को बेहतर शासन मिले और उसके बाद चुनाव में जाइए। ये तोता मैना ये ठीक बात नहीं, इससे बचना चाहिए। सिर्फ ये कहने आया था। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मधुर जोशी जी आपका, विनय गोयल जी, अमिताभ जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में बने रहने के लिए। बिग बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए समाचार प्लस।